इत्र नगरी से राजनीति की सुगंध दूर तक जाती है। महाराजा हर्षवर्धन का काल हो या फिर महाराजा जयचंद का, तब भी कन्नौज नगरी देश की राजनीति का केंद्र थी। समृद्ध पुरातत्व और सांस्कृतिक विरासत वाले कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज भी है। वाल्मीकि रामायण, महाभारत और पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी में महान सम्राट हर्षवर्धन की बहन का ब्याह कन्नौज राजघराने में हुआ था। विरोधी राजाओं के आक्रमण में बहन का सुहाग उजड़ने के बाद सम्राट हर्षवर्धन बहन की रक्षा करने इत्र नगरी आ गए। उसके बाद सम्राट ने सभी विरोधी राजाओं को परास्त कर पूरे देश में अपना शासन कायम कर लिया। हर्षवर्धन की इच्छा ना होने के बावजूद यहाँ की जनता ने उन्हें कन्नौज का सम्राट बना दिया। यहीं पर हर्षवर्धन ने विश्व सर्वधर्म संभाव का विशाल सम्मेलन करवाया। इसमें चीन के यात्रियों समेत देश विदेश के सैकड़ों शासकों ने हिस्सा लिया था। तब कन्नौज देश की राजधानी हुआ करती थी। इसी तरह 11वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी का गवाह है राजा जयचंद का किला। इसके खंडहर अपनी भव्यता और ऐतिहासिकता की गवाही देता है। देश की चुनावी राजनीति में कन्नौज चर्चा का केंद्र तब बना जब समाजवादी चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया ने 1967 में लोकसभा सीट का पहला चुनाव लड़ा और जीते भी। उसके बाद से अब तक कांग्रेस दो बार ही इस सीट पर जीत सकी है। जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पास 5 बार और जनता दल को यहां 1 बार जीत नसीब हुई। 1998 से सीट लगातार सपा के पास रही। 2019 में भाजपा के सुब्रत पाठक ने सपा से ये सीट छीन ली। कन्नौज के राजनीतिक समीकरण के बारे में यही कहा जाता है कि बहुसंख्यकों के साथ छोटी जातियां जिसके साथ जुड़ गई वही चुनाव जीतता रहा है। सीट के राजनीतिक इतिहास में यहां के स्थानीय नेता 2 बार ही चुनाव जीत सके। पहले स्थानीय सांसद थे राम प्रकाश त्रिपाठी, जो 1977 में जनता पार्टी से संसद पहुंचे, तो 2019 में सुब्रत पाठक सांसद बने। इस चुनाव में धुंधली जरूर है, पर जो तस्वीर झलक रही है उसको देखकर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में होंगे। सुब्रत के खेमे को दोबारा जीत का अनुमान है, तो अखिलेश यादव के समर्थक इस सीट को वापस लेने की चाहत में हैं। सपा का कोई रोल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि रीजनल पार्टी का कोई रोल नहीं होता हमें समझते, क्योंकि हम लोग प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं, तो रीजनल पार्टी का कोई रोल नहीं होना चाहिए। भले जीत के वो विपक्ष में बैठ जाए, लेकिन हमारे से कोई रोल नहीं होता। और बेरोजगारी के बारे में यदि कोई पार्टी बात करती है, हमें उसको नहीं समझ में आता क्यों करती। देखो, चाहे कांग्रेस सरकार बैठे या अदरवाइज किसी, बेरोजगारी जीवन भर पर्यंत चलेगा हिंदुस्तान में, क्योंकि आबादी है। आप रोजगार की फैक्ट्रियां पड़ेंगी भाई, आप सरकारी नहीं होंगी, प्राइवेट में भी जॉब मिलेंगी ना भाई, नौकरियां किसे बचेगा, रोजगार किसको कहेंगे आप भाई, आप प्राइवेट करिए ना। 10 सालों में यदि 10 साल पीछे देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, वैल्यूएशन ही पता चल जाएगी। आप किसी आज से 10 साल पीछे आप चले जाइए, एक आदमी मोस्टली साइकिल ले यार नहीं खरीद पाता 20 साल पहले, आज एक मोटरसाइकिल 1 लाख रुपये खरीदता कैसे खरीदता है। भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप देखिए, हाईवेज देखिए, रोडें पहले से बेहतर चल रही हैं। बेरोजगार सर असल में जो इंसान काम नहीं करना चाहता, जैसे सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है, वही बेरोजगार है। अगर अपना स्टार्टअप करते हैं, आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं, कोई छोटा मोटा काम भी करते हैं, तो आप अच्छे से पैसे कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैंने भी डीएलएड किया, 1 साल तैयारी की, अगर मेरा गवर्नमेंट में नहीं हुआ, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये फिर मुझे धूप में चलना पड़ेगा, और आदमी सरकारी नौकरी पीछे इसलिए पड़ा रहता है कि वहाँ पर इतना मतलब वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, एक सिक्योर इनकम होती है कि महीने में 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट होनी ही होनी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कर्म भूमि को समाजवादी पार्टी अपनी विरासत के रूप में देखती है। 1998 से सपा के कब्जे में रही सीट पर एक बार सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव सांसद रही। 2019 के चुनाव में डिंपल से ये सीट भाजपा के सुब्रत पाठक ने छीन ली। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में करीब 17 लाख से ज्यादा हिंदू और करीब 2.5 लाख से ज्यादा मुसलमान मतदाता है। इनमें 2 लाख क्षत्रिय, 2.25 लाख ब्राह्मण, 2.5 लाख यादव, 2 लाख लोधी, 2.5 लाख पाल व शाक्य, अनुसूचित जाति के करीब 3 लाख मतदाता हैं। उनको लुभाने के लिए भाजपा महीनों से एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है।
भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक को सभी जातियों का समर्थन मिलने का भरोसा है, क्योंकि 2022 के चुनाव में पूरी लोकसभा क्षेत्र की 5 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को जीत मिली थी। इस बार भी लोकसभा चुनाव से ऐन पहले भाजपा ने सपा के कई बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाकर सपा को मनोवैज्ञानिक दबाव में डाल दिया है। प्रमुख विपक्षी दल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की कर्म भूमि कहे जाने वाले कन्नौज में पार्टी खामोशी से अपनी रणनीति बना रही है। पिछले दिनों मूर्ति प्रकरण में लोधियों की नाराजगी को भुनाने के लिए सपा ने अपने लोधी नेताओं को सक्रिय किया। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के विरोध में आए ब्राह्मणों को भी खेमे में लाने की तैयारी है। अखिलेश यादव अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कराए गए विकास का हवाला देकर समर्थन जुटा रहे हैं। उन्हें पीडीए पर भरोसा है, साथ में सत्ता विरोधी का लाभ मिलने की भी उम्मीद है। बसपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी इमरान बिन जफर को उतार कर मुकाबला रोचक करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी उनकी सक्रियता क्षेत्र में नहीं दिख रही। कन्नौज जिले की बात कर लें तो कन्नौज जिले में जब सभा थी उसने अपने सभा के राज्य में अच्छा कार्य किया। बीजेपी आई, बीजेपी ने अपने स्तर पे काम किया। आज बीजेपी का देश से लेकर विदेश तक काफी अच्छा काम है। बेरोजगारी में अगर देखा जाए तो बीजेपी, अगर जो अर्थशास्त्री हमारे कहते हैं, जिन्होंने जो डेटा कहता है, वो ये कहता है कि पहले की अपेक्षा बेरोजगारी में जीडीपी की तरह से काफ़ी ग्रोथ हुई है। पहले जिन कार्यों में, हाँ ये मानते हैं कि सरकारी गवर्नमेंट जो जॉब है वो में उसमें घटोत्तरी हुई है। भाजपा से हमें यही उम्मीद है कि अभी तक जो भाजपा ने काम किया है वो आने वाले समय पे लागू होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इत्र पार्क बना है, उस पर काम चल रहा है निरंतर, आगे भी उम्मीद है कि पॉजिटिव रिजल्ट आने चाहिए। वर्तमान में आज की बात करें तो अब तक तो इत्र उद्योग के लिए नहीं कुछ हो पाया है। विकास के लिहाज से कन्नौज को हालांकि सपा की सरकार के दौरान काफी कुछ मिला। जिले का तकरीबन हर गाँव सड़क से जुड़ा है। कृषि मंडियां होने के साथ ही मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग के साथ तकरीबन पूरे जिले की आगरा एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी है। भाजपा की सरकार में अलीगढ़ कानपुर हाईवे का निर्माण हो जाने पर दिल्ली के साथ औद्योगिक नगरी कानपुर से कनेक्टिविटी और बेहतर हुई है। कोई कसक अगर है तो वो है इत्र पार्क का विकसित ना होना। आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे सड़क और बिजली उपलब्ध करवा कर कथित तौर पर पार्क विकसित कर दिया गया, पर ना तो वहां कोई लैब बनी और ना ही कोई रिसर्च सेंटर। पार्क में देश विदेश से आने वाले कारोबारियों के लिए होटल या गेस्ट हाउस भी नहीं बना। इत्र कारोबारी इस कारण से वहां जाने से झिझक रहे हैं। कन्नौज की बात हो और यहां के इत्र का जिक्र ना आए, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि इत्र यहां कन्नौज की पहचान है। वर्षों से यहाँ की कारोबारी परंपरागत ढंग से इत्र का निर्माण करते रहे। अपेक्षा सरकार से थी कि फ्रांस का जो शहर है ग्रास, वहाँ पर जो इत्र पार्क है जिसमें उनको रिसर्च की सहूलियत है, जहाँ पर निर्माण की सहूलियत है, वैसा कुछ व्यवस्था उनके लिए की जाए। तो 2014 में सरकार ने यहाँ पर इत्र पार्क बनाने की शुरुआत करी, जो कि 100 एकड़ में बनना था। हालाँकि जब 2023 में उसको पूरा होना बताया गया, तब तक ना तो यहाँ पर रिसर्च सेंटर था, ना ही निर्माण की कोई सहूलियत। लिहाजा इत्र कारोबारी अभी भी मायूस हैं। अब 13 मई को जब यहाँ के लोग वोट डालने जाएंगे, हालांकि मसला कारोबारियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये स्थानीय स्वाभिमान का मसला भी है। यहाँ के आम मतदाता एक वर्षों की जो अपेक्षा थी नहीं पूरी हो पाई, उसको दिमाग में रखकर वोट करते हैं या नहीं, ये 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब पता हो सकेगा। फिलहाल संजय यादव के साथ मैं राजीव द्विवेदी, दैनिक जागरण के लिए।